पैदल अगस्त क्रांति मैदान तक जाने वाले हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा के समापन के मौके पर इंडिया के घटक दलों की एक बड़ी रैली भी मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होने जा रही है और इस बड़ी रैली के जरिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी का होने जा रहा है और ऐसे में अब ये इंडी गठबंधन की जो रैली होनी है, ऐसे में दिल मिल रहे हैं, क्या बड़े चेहरे वहां पर पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थनाथ जी का सीधा हम रुख कर लेंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो विशाल मेगा रैली हो रही है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या दिखा रहे हैं कि यूनिटी है? यूनिटी कहां है उनके पास? वहां पे शिवसेना है नहीं, वहां पे एनसीपी अपने में बिखर गई, वहां के लोग जो है, उनके जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे भी इनका यही हाल है। इनके साथ है कौन? बंगाल चला गया, वहाँ गठबंधन ने, जैन सेना ऐसे चले गए, मायावती आई नहीं। मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ इन लोग का, दक्षिण भारत में आप आंध्रा देख लीजिए, चाहे आप तेलंगाना देख लीजिए, तो इनके पास है क्या? तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं, वो चाहे कुछ भी कर ले, जनता समझती है और जनता इनके जो बातचीत भी है और जो बोलते भी हैं राहुल बाबा, वो कहाँ से बोलते हैं और क्यों बोलते हैं यही नहीं जनता को समझ आता, हो सकता है उनको भी शायद नहीं समझ आता होगा। बिल्कुल, लेकिन सबकी नजरें इस पर रहने वाली हैं कि ये जो एक बड़ी रैली होने जा रही है, क्या इसे माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर, खास तौर पर चूंकि मुंबई में ही ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या महाराष्ट्र को लेकर आप देख रहे हैं इसको कि कोई सॉलिड फॉर्मूला सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इन लोगों का क्या फॉर्मूला निकलता है मैं नहीं कह सकता, ये इनका अपना इंटरनल मैटर है। बट जहाँ तक कि ओवरऑल महाराष्ट्र का है, हम लोगों का जो एक गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग है और ये वहाँ पे यही गठबंधन जीतेगा और आप देखेंगे पिछली दफे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे होने वाला है। सिद्धार्थ जी, जल्दी से हमें बता दीजिए कि महाराष्ट्र में से 48 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए गठबंधन के झोली में आने वाली हैं? देखिए, मैं ये तो आकलन नहीं कर पाऊंगा, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मगर क्योंकि हम लोग के कार्यकर्ता और हम लोग के लीडर्स मिलते रहते हैं हम लोग एक दूसरे से और वहाँ से फीडबैक आता है, तो जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है और हम लोग का अब की बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है पिछले टर्म से भी। सिद्धार्थ जी, क्या आप कुछ समझ में यहाँ से आ पा रहा है कि बीजेपी के पास, चूंकि विपक्ष तो इस वक्त कोशिश में यही है कि खामियां कैसे गिनवाई जाएं, चाहे फिर वो चुनाव के ऐलान के बाद की स्थिति हम देखें या फिर इससे पहले की, यानी कि तारीखों की घोषणा के बाद की, बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के लिए क्या है? वो है मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किया है और विशेष रूप से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, एक युवाओं के लिए कहीं बोले स्टार्टअप से बड़ा कुछ हो नहीं सकता इससे, और महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण का कार्य किया है शायद ही, और उसके अंदर जो निचले स्तर के हैं, जो अंत्योदय की हम लोग की जो योजनाएं हैं, जो आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां तक कि जो पहुंचाया गया उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म है, मेरे को लगता है इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। और हमारे पास चेहरा है, वो चेहरा खाली भारत के लिए नहीं है, वो चेहरा अब पूरे विश्व का चेहरा बन गया है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो बता दें, महागठबंधन में सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख लीजिए। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, इसमें सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो सकता है। इस बैठक में अखिलेश सिंह भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग की डेडलाइन को तय कर दिया है। तो बड़ी अपडेट, बैठक में अखिलेश सिंह शामिल होने वाले हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि बिहार की जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो दिल्ली उठकर आ रहा है और ऐसे में अब सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होना है। सिद्धार्थ जी, पटना में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हुए थे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तो तब से तय हो रहा है, आज तक नहीं तय हो पाया है? ना चुनाव के बाद तक नहीं तय होगा, ये भी आप देख लीजिएगा, इन लोग के बस की नहीं है। इन लोग की जो नीति और नियत है ना, अपने देखिए, उनका जो स्वार्थ है ना, वो स्वार्थ के आधार पे गठबंधन होना, वो किसी नीति के आधार पे नहीं होता है। इसलिए तो पहले तो नियत होनी चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, एक लीडरशिप पे होना चाहिए, वो है नहीं।
इसलिए नीतीश जी भी चले गए और अन्य भी साथी गए हैं, जयंत सिन्हा गए, तो जयंत चौधरी गए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको सामने आ रही हैं वो अपने आप में दिखाता है कि इनका जो स्वार्थ है वो आगे आता है और जो नेता होता है उस जिस पे विश्वास होता है वो इनके पास है नहीं। सिद्धार्थ जी, पिछली बार बीजेपी के लिए या मैं एनडीए के लिए कहूं तो एक सीट रह गई थी, क्या इस बार पूरे क्लीन स्वीप की तैयारी है? वो एक सीट जो पिछली बार रह गई उसके लिए भी रणनीति यहां पर क्या तय हो चुकी है? आप देखिएगा, बड़े बड़े जो राज्य हैं, पहले तो गुजरात और हम लोग राजस्थान और इधर करते ही आए हैं, मगर अब कुछ राज्य और जो बचे हुए थे उन राज्यों में भी क्लीन स्वीप की हम लोग की तैयारी है, योजना बन चुकी है, कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो धरातल पे जो काम हुआ है सरकार के माध्यम से उसका असर बहुत अच्छा दिखेगा। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोशिशें आपकी रंग लाए। सिद्धार्थनाथ जी, आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई। जिस तरीके से दावा आप कर रहे हैं जीत का, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हालांकि जनता तय करेगी कि जीत किसकी होगी। फिलहाल न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबानी जंग भी अब लगातार जारी है। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोल दिया है और हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की नीतियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से, वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, तो जागरूकता जरूर आई है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है और जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियाँ और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच अंतर विरोध है, तो स्वाभाविक है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबका कुनबा अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। तो न नीति है, न नेता है, न नीयत है। तो विभाजन तो जब इंडिया गठबंधन में ही है, मुद्दों पर ही विभाजन है, तो विभाजन तो इनकी बुनियाद है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। केजरीवाल को आज ईडी के दो समन्स भेजे गए हैं। एक शराब घोटाला मामले में समन्स भेजा गया है और एक दूसरा जल बोर्ड निगम से रिलेटेड ये इस पूरे मामले में समन्स जारी किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कल 18 मार्च को पेशी के लिए बुलाया गया है, वहीं शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज ईडी की तरफ से दो समन्स भेजे गए हैं। आपको याद होगा कल ही अरविंद केजरीवाल वहां पर गए थे, उसके बाद उन्हें जमानत मिली, फिर वो वहां से लौटते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज एक बार फिर से ईडी की तरफ से दो समन्स जारी किए गए हैं अरविंद केजरीवाल को। यानी कि मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में और इसके बाद अब जल बोर्ड घोटाला मामले में भी इनका नाम सामने आया है। अब आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं इससे जुड़ी हुई क्या सामने आई है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को दो समन्स जारी हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दरअसल केजरीवाल को ईडी के समन्स का ये पूरा जो मामला है